أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखर ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर सलातो सलाम अलैकुम। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और बिलमूम ज़िला गुजरात, ज़िला गुजरांवाला और ज़िला सियालकोट से तलक रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं उनकी खिदमत में सरज़मीन गुजरात से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त फरहान मैरिज हॉल वाली छत पर मौजूद हूँ, जिससे उस्ताद चौधरी बाबू नासर और उस्ताद खलीफा नौमी जोड़ा दोनों भाई इकट्ठे शौक करते हैं। आज डेट 2022 की पहली उड़ान है और हम इस वक्त फरहान मैरिज हॉल वाली छत पर मौजूद हैं। दोस्तों, छत पे मुनसब पहुँच चुका है, कबूतरों को मोरे लगाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। आइए, हीरा आपको दिखाता है, उसके बाद इंशाल्लाह मुनसब से भी बातें होंगी। हाँ जी, पहले कबूतर नूं मोर लग चुकी है जी। दूसरे कबूतर नूं मोर लग चुकी है जी। उस्ताद नौमी जोड़ा साहब मोहरां लवा रहे हैं जी कबूतरां नूं। राजा जहा जी वस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम जी व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मुनसब साहब आए ने जी, बाद च फिर मुनसब साहब होरां नाल गल्लां बातां होण दियां। फिलहाल कबूतरां नूं मोहरां लग रही ने, दो कबूतरां नूं मोहरां लग चुकियां ने जी। जी तीसरे कबूतर नूं मोहर लगी है जी। चौथे कबूतर नूं मोहर लग चुकी है जी। अच्छा, मादियां नूं मोहरां लगियां ने जी। एक मिनट ठहरो। इत्थे खाने से अगले, मैं अगले खाने च हो जा, मैं उधर ही आने लगा जी। अंदर बुआ बंद कर लवे। उस्ताद नौमी जोड़ा साहब जी मोहरां लवा रहे ने जी कबूतरां नूं, मुनसब साहब ला रहे ने जी। ऐ पंजवें कबूतर नूं मोहर लग चुकी है जी। चौं मादियां लगी है जी। ऐ पंजवां नारे जी। छेवें कबूतर नूं मोहर लग चुकी है जी। सतमें लग गई मोहर जी। खोला जी बुआ,
11 कबूतरां मोहरां लगनियां ने जी, 4 मादियां लगी है ते 3 नरां लगी है। ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਦਸਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਆਖਰੀ 11ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। 2, 4, 6, 7 ਨਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਬਾਬੂ ਨਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ तो दोस्तों आपने मोहरे लगने का प्रोसेस देखा। इंशाल्लाह कबूतर उड़ाने के बाद हम मुनसब से भी आलो आर लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको उस दिन आपने देखा कि तकरीबन 23 तारीख को शाम को उस्ताद ने भी जोड़ा और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने चंद गुजारशात आपकी मनजर नज़र रखी कि खसूसी तौर पर दोस्तों आप दोस्तों ने इस बात का ख्याल रखना है कि मुनसब के हवाले से बिल्कुल हमारे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेट 2022 ये टूर्नामेंट जो है ये 2 फॉर्मेट में उड़ाया जा रहा है। एक 3 अजला का टूर्नामेंट है, उसमें 2 टूर्नामेंट है और इसी तरह एक ज़िला गुजरात की सतह पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 17-18 साल से फरहान पिजन क्लब गुजरात से, खुसूसी तौर पर ज़िला गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा एक शानदार और बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म उन्होंने मुहैया किया हुआ है। इस दफ़ा दोस्तों 3 अज़ला का जो टूर्नामेंट है जो कि ज़िला गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, वो 2 फार्मेट में है। एक 1 लाख रुपए एंट्री का टूर्नामेंट है और दूसरा टूर्नामेंट जो है वो 50,000 रुपये एंट्री वाला है। इसी तरह ज़िला गुजरात वाला जो टूर्नामेंट है वो टूर्नामेंट भी जो है वो 50,000 रुपये एंट्री वाला टूर्नामेंट है। तो दोस्तों उस दिन हमने कुछ चंद गुजारशात मुनसब के हवाले से आप दोस्तों की मद नज़र रखी कि आपने खसूसी तौर पर उस दिन आपको बड़ी वजाहत के साथ ये बात जो है आपके सामने रखी गई थी कि मुनसब के हवाले से आपने मुनसब को तमाम क्राइटेरिया जो है टूर्नामेंट के कवायद और जवाबत जो हैं वो उसके जहन नशीन होने चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि मुनसब का बर वक्त पहुँचना, आज यहाँ पहुँचे मुनसब बड़े टाइम से यहाँ पहुँचा है। कबूतरों को 200 मोहरे रख चुकी हैं, बहू नासिर साहब भी मौजूद हैं, उस्ताद नौमी जोड़ा भी यहाँ मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेट 2022 के हवाले से आज हम कोशिश करेंगे कि विद इन गुजरात आपको उन पार्टिसिपेंट की छतों का विजिट करवाया जाए कि जो कि हमारे इस टूर्नामेंट में
शिरकत कर रही हैं। मैं फिर बार 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 ये बात दोहराऊंगा कि आप दोस्तों ने दौराने टूर्नामेंट मुनसब के हवाले से हर खाना मालिक ने इस बात का ध्यान भी रखना है, ख्याल भी रखना है कि मुनसब जो आप भेज रहे हैं वो तमाम टूर्नामेंट का जो क्राइटेरिया है, उसके जो कवायद और ज़वाबत हैं, उस हवाले से उसे बखूबी आगाही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे विजिट का मकसद ही यही होगा कि हमने तमाम छतों पे इंशाल्लाह दौराने ये 11 उड़ानों के टूर्नामेंट हैं। और इसके साथ साथ भाजी आपने टूर्नामेंट कितने कबूतर पाने ने जी? 11। हमारे टूर्नामेंट का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि कबूतर कम होने की सूरत में सिर्फ आप 11 कबूतर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा भी तमाम जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो आपको मेरे ख्याल में ड्यूटी पेपर की शक्ल में व्हाट्सएप के जरिए आप तक पहुंचा दिए गए हैं। मैं फिर बार बार उन तमाम पार्टिसिपेंट से ये गुजारिश करूंगा कि आपने अच्छे, बेहतरीन, साफ शफाफ और खसूसी तौर पर अपनी जाती हवाले से आप मुनसब भेजें, तो मैं समझता हूँ खेल का साफ और शफाफ होना जो है वो ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा कि इस दफ़ा मौसम ने जो है बड़ी ज़बरदस्त संगड़ाई ली, और शुरू चेतर से लेके आज तक अभी कुछ दो दिन पहले यहाँ गुजरात में भी अबरे करम बरसा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दो दिन लोगों ने, परिंदों ने, चरिंदों ने, जानवरों ने सुख का सांस लिया होगा। आज भी अगर आपको दिखाए तो मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, अगर आप आसमान को देखें तो मौसम बिल्कुल साफ है। तो दोस्तों ये टूर्नामेंट जो है, ये तीनों टूर्नामेंट जो है, ये 11 नागावर उड़ानों पर मुश्तमिल है। तो तकरीबन चार एक मिनट दोस्तों बाकी हैं, इंशाल्लाह ये कबूतर उड़ाने के बाद दोनों भाई जो हैं उस्ताद नौमी जोड़ा और बाबू नासर वो दोनों कबूतरों को देख रहे हैं। इसके साथ साथ आप दोस्तों ने खसूसी तौर पे उस दिन आपको मुनसब के हवाले से कबूतरों को जो रंग है उसके हवाले से आपने ज़रूरी ताकीद करनी है अपने मुनसब को कि वह कबूतरों का रंग जो है वो ज़रूरी तौर पर उसकी नज़र उस पर होनी चाहिए। उसके बाद खाना मालक के लिए ज़रूरी है कि दो चार मिनट पहले आप मोरें लगवाएं, 11 कबूतरों को मोरें लगवानी होती हैं, उसके बाद आपने उनकी वीडियोस बनानी है, वीडियो बना के फिर आपने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आपने फेंकना है। इसी तरह जिस वक्त कबूतर रात शाम तक बैठने के बाद जिस वक्त आपके मुकम्मल कबूतर बैठ जाते हैं, आप मुनसब को कबूतर चेक करवा के दोबारा उसकी वीडियो जो है आपने वो बनानी है। ये तीन चार चीज़ें। इसके साथ साथ उड़ान वाले दिन का जो क्राइटेरिया है उसमें कबूतर उड़ाने कितने बजे हैं, छत कितने बजे खुलनी है, आखिरी टाइम कबूतरों का क्या है, छत खुलने का क्राइटेरिया क्या है, किस पोजीशन में आपने छत खोलनी है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने मुनसब को समझा बुझा कर भेजनी है। और मैं समझता हूँ कि आपके खेल का ये शोबा अगर इसकी मुस्बत तामीर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि खेल में वो शफाफियत और हसन आ सकता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, जंगली कबूतर उड़े ने जी। नवी जोड़ा साहब, उस्ताद बाबू नासर साहब जी जूम कीते या
आप देखते हैं दोस्तों के उस्ताद लोग भी जोड़ा, बार बार घड़ी को देखते हैं टाइम और उनके साथ जो है मुनसब भी खड़े हैं। इंशाल्लाह ये कबूतर उड़ाने के बाद हम मुनसब का भी आर आवार लेंगे। और आज हम खसूसी तौर पर गुजरात से जो छते हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उनका विजिट करें और आपको तमाम आर आवार जो है, मैं फिर बार बार एक ही बात कहूँगा कि मुनसब के हवाले से हर खाना मालक ने ख्याल रखना है और खसूसी तौर पर टाइमिंग के हवाले से, क्योंकि सुबह 5 बजे कबूतर उड़ने हैं, 11 कबूतरों को मोरें लगवानी है, आपने वीडियोज़ भी बनानी है, तो मुनसब का बर वक्त छत पे पहुँचना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है। राजा जैद साहब जी इधर आ जाओ, पुत्र इतने आ जाओ, चलो ठीक हो। तो दोस्तों जेठ 2022 के ये उस्ताद बाबू नासर और उस्ताद नोवी जोड़ा उन्होंने अपने कबूतर उड़ाए हैं। अल्लाह पाक तुहानू भी खुश रखे जी सारू जी। तो दोस्तों ये आप देखते हैं कि फरहान मैरिज आलवाड़ी छत से बूटों ने जेठ 2022 के झंडी हो रही है जी, कर दी है। और ये आप देखते हैं कि छत के ऊपर जो है जल्दी टाइम जो है तकरीबन 5 मिनट है। अल्लाह पाक तुहानू सारू खुश रखे जी, आबाद रखे जी, यह सब तुहाड़े दोस्तों भरावों वास्ते ही है जी। यह सारा सैटअप जी वीडियो शीडियो दिखा रहे हैं जी तुहानू जी। लाला जी हूँ 22 टेंपरेचर 6 बजे 23 जे 7 बजे 24 जे 8 बजे 27 जे तो दसो फिर धूप की हो रही कानून की पासदारी स्पोर्ट्समैन
तो दोस्तों मैं फरहान पिजन क्लब के बानी चौधरी बाबू नासर उनके साथ मौजूद हूँ। तो मैं चाहूंगा कि वो अपना पैगाम खुसूसी तौर पे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेट 2022 के हवाले से आप दोस्तों तक कन्वे करें। मेरा तमाम अपने साथियों वास्ते कबूतर परवर भाइयों वास्ते एक ही पैगाम है, जिस तरह के कबूतर अमन की अलामत है, ये भी एक दूसरे खेलों की तरह खेल है, मुकम्मल गेम है। तो सानू चाहिए अगर असी यदि बेहतरी वास्ते या ये अरूज वास्ते काम करना चाहते हैं तो सब तो पहले जड़ा वो कानून की पासदारी होनी चाहिए है, और कानून की पासदारी ता ही हो सकती है जो सारे भरावान का तावन हो और हर बंदा कानून का एहतराम करता हो। नंबर दो सब तो वध के मुनसिफ नूं असी जिहड़ा रीढ़ की हड्डी है इस खेल की उन्होंने असी अहमियत ही नहीं देंगे। ये खेल तो जाए मेरे सारे भाइयों अगे कि उन्होंने एक जज की हैसीयत नाल ट्रीट करो, उसकी इज्जत करो, तो जो कानून है उसके मुताबिक ही उन्हें फैसला करना है। कोई भी ना खुशगवार गल नहीं होनी चाहिए और ना कोई ऐसा वाकया होना चाहिए कि जिहड़ा तुहाडे खेल के उत्ते जिहड़ा कि पुराने बंदे कबूतरबाजा बंदा ही नहीं सन समझते, इनू आने घर खेल की हैसीयत हासिल होई है। तो सानू चाहिए सारे भाइयों के अमन की अलामत ही साबित हो। मैं अपने सारे साथियों के उत्ते इतमाद भी करना और उम्मीद भी करना कि इंशाअल्लाह उल अजीज बहुत अच्छे तरीके नाल जेठ का मेला जिहड़ा अपने अख्ताम नूं पहुंचेगा। और सब तो वड्डी गल है कि साढ़े च इन्ना हौसला होना चाहिए कि जिहड़ा भी मेहनत करता और अल्लाह पाक उहदा साथ दिंदा वह जित जांदा तो फिर उन्हें पूरे तरीके नाल एप्रीशिएट किया जाए। और आखिरी पैगाम यह है कि इंशाअल्लाह उल अजीज असी अपना फरहान पिजन के जेरे तमाम जेडे तीन कप ने उन्होंने जून के फंक्शन होगा नूर मार्की से, और असी सारे भाइयों इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके वेलकम करांगे। और जेडे चंद साल कोई गलतियां होंगे रही उन्होंने वास्ते मैं माजरत कामी हाँ और आइंदा उन्होंने पुराना तरीकाकार ही नज़र आएगा। तो मेरी तरफ सब नू वेलकम और अच्छी बेस्ट विशेज अल्लाह। तो दोस्तों आपने चौधरी बाबू नासर साहब की बात सुनी, इसी तरह फरहान पिजन क्लब के रुए रवान बाबू जी ने एक बात की आगे कि मुनसिफ जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो क्लब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मेरा ये छोटा भाई ये भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। भाई आप कोई पैगाम देना चाहेंगे दोस्तों को? नहीं लगा परसों पैगाम दिया था, मुनसिफ का बोला था, इंशाल्लाह मुनसिफ बंदे अच्छे भेजेंगे तो कोई मसले नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी तरफ से सारे प्लेयर्स को बेस्ट ऑफ लक, पहली प्रवास में खुश आमदेद और शुक्रिया अदा करते हैं जिन बंदों ने हिस्सा लिया, एतमाद का इजहार किया। 36 छते हैं हमारे ज़िले वाले कप में और 23 छते हैं लाख वाले कप में और 28 छते हैं 50,000 वाले तीन ज़िलों वाले कप। तो दोस्तों आइए, मुनसिफ यहाँ मौजूद है, खसूसी तौर पे मैंने इस दफ़ा हमारा जो विजिट होगा उस दिन भी मैंने आपको कहा कि मुनसिफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू हुआ करेगी इंशाल्लाह। तो आइए दोस्तों मुनसिफ से कुछ हाल अहवाल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। तो कड़ी छत में आया तू? अफजाल की छत, तो राम तलाई। अफजाल राम तलाई की छत तो आया। कितने कबूतर कबूतर मोहरा लाइया ने? 11 कबूतर। 11 नु? जी। ते की कलर की है कबूतर दा? सब कलर रंगे है, ठीक है। 4 मादियां ने, 7 नर ने। मादियां नु केड़े साइड ते लगे है? मादियां नु खब्बी साइड ते लगे है, नरां सज्जी साइड ते लगे है। छत कितने बजे खुलनी है? छत 12 बजे ओपन है। 12 बजे? जी। किस तरह खुलनी है छत? छत ऐसा बैंज खुलनी है के कबूतर जेड़े तुसी बाहर कटने ना वो कबूतर विच 5 जां कट्टियां हुन या बदिया हूँ 3 बार साबित हो बस। अच्छा ठीक है, इस वजह छत है नहीं खुलेगी। अगर कोई नहीं खोल रहा मेरा मतलब नहीं खोलना चाहता छत, फिर नहीं खोलना चाहता फिर वो पूरी दिहाड़ नहीं खोल सकता? नहीं खोल सकता जी। आखिरी टाइम क्या हो गया? 8:30 बजे का। 8:30, चलो ठीक है, बड़ी मेहरबानी दोस्तों। तो इंशाल्लाह दोस्तों सूरज भी अपनी आबोताब के साथ आप देख रहे हैं निकल रहा है, और आज बाबूजी से मेरी बात हो रही थी
तो कह रहे थे कि लाला जी आज मौसम जो है वो आइडियल मौसम है, इस वक्त टेम्परेचर जो है तकरीबन 22-23 के करीब है, हवा भी सुबह उस तरह इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, नॉर्मल हवा है, मौसम आज आइडियल है। और मैं भी अपनी तरफ से, बाबूजी की तरफ से, नौमी भाई की तरफ से, हम उन तमाम पार्टिसिपेंट के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने जिस तरह भरपूर एतमाद का इजहार किया है फरहान पिजन क्लब की इंतजामिया पर। इंशाल्लाह मैं अपने इन दोनों भाइयों से उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों, मैं अक्सर एक बात आप दोस्तों के सामने करता हूँ, किसान का अमल और किरदार जो है वो उसकी वजाहत करता है। आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता, ये नहीं है कि मैं यहाँ अपने इन भाइयों में खड़ा हूँ तो तब मैं ये बात कर रहा हूँ, इन्होंने ऐसे नकूश छोड़े हैं, खास करके आपके खेल के हवाले से। आपने देखा कि गुज़श्ता साल इसी सरजमीन गुजरात पे, गुजरात पंजाब की सतह पे कवानीन वज़ा किए गए और नूर मार्की में बैठक हुई और वहाँ उनको पाया तकमील तक पहुँचाया गया। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा खसूसी तौर पर उस्तादी शागिर्दी के हवाले से भी, मैंने तमाम अकाबरीन से भी ये गुजारिश की है कि वो मिल बैठ के इस पर भी एक क्राइटेरिया तय करें ताकि खेल में पैदा होने वाली जो बदमाशियां उनको दूर किया जा सके। मैं एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से, बाऊजी की तरफ से, नौमी भाई की तरफ से, हम उन तमाम खिलाड़ियों के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने जिस तरह भरपूर एतमाद का इजहार किया है। और इंशाअल्लाह दोस्तों, जिस तरह आपने एतमाद का इजहार किया है उसका रिवार्ड आपको जून में इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। तो मैं फिर तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने इस शोबे को मजबूत बनाएं। तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि आपका ये खेल साफ और शफाफ ना हो। मुझे और हीरा को चंद लम्हों के लिए इजाजत दीजिएगा, इंशाअल्लाह आज हम आपको गुजरात से भरपूर शौक दिखाएंगे। और इसी तरह मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि मुनसिफ के हवाले से इस दफा बड़े सख्त और बोल्ड फैसले लिए जाएंगे, तो आप लोगों ने इस शोबे पे ध्यान देना है। लाला जी को और हीरा को फरहान मैरिज हॉल वाली छत गुजरात से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।